रेडी वन टू थ्री तो देखो चीटिंग करना है ये चीटिंग कर पाम क्रॉसिंग कर दिया। अभी सीधे चलेंगे यहाँ से, यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कुछ लोग हैं और यहीं से हमको सीधा निकल कर जाना है। बट अगर साइड सीन कहेंगे इज अमेजिंग यार, बट रास्ता टूटा हुआ नहीं है। एलिफेंट एलिफेंट जोन है क्या? अभी एक थार आ रहा है भाई, देखो एक अगर गाड़ी आ गया तो दूसरे गाड़ी के लिए जगह नहीं रहता है। सेटिंग किया गया है, डियर्स वगैरह का पिक्चर है यहाँ पे, लेफ्ट क्रॉसिंग जोन है। और देखो ओ माय गॉड, कौशन यहाँ पे शायद जाने के लिए बैरिकेडिंग अभी पूरा क्रॉसिंग करके रखा है। बट यहाँ से पूरा खूबसूरत नज़र आता है यार, बेंगलोर बहुत खूबसूरत। यहाँ पे टोबो हिल पोर्ट, टोबो हिल टॉप या टोबो हिल पोर्ट था यहाँ पे, ये वाला प्लेस पे मेरा हाथ का सीधा, बट अभी बंद हो चुका है। पे लिखा गया है प्लास्टिक फ्री जोन, यहाँ पे प्लास्टिक थ्रो आउट नहीं कर सकते हैं। पे कुछ कर्नाटका का क्वेश्चन बोर्ड लगा हुआ है बट आई डोंट नो बिकॉज आई कैन नॉट रीड। बनरकटा नेशनल पार्क तो यहीं पे है, तो साइड दे दो चलते हैं। कितना दूर है पता नहीं, मैं 3 किलोमीटर आ चुका हूँ जंगल के अंदर और रोड जाते हुए दिखाई दे रहा है मुझे। यहाँ से और भी खूबसूरत तरह से मतलब खूबसूरती से सजाया गया है रोड को। यहाँ पे बाइसन वगैरह भी शायद दिखता है। अभी यहाँ से कुछ गांव जाएगा, देखो फॉरेस्ट करता हूँ यहाँ से। लाल मिट्टी के और शायद आगे घर वर नहीं है, जंगल के अंदर से जाना पड़ेगा फिर से। यहाँ पे बैरिकेडिंग दिया हुआ है, फसल उसल है। रोड का साइन आपको मिल जाएगा। और ये क्या है, काफी मेहनत होता है यार ऐसा होता है चलने के लिए। भाई क्या गाड़ी पीछे जा रहा था वो, ऊपर में मजा आएगा ना, बट गाड़ी जाएगा किसे? देखो यहाँ पे रास्ता तो है बट क्या चीज़ है उस तरफ लिखा हुआ नहीं है, नहीं जा सकते ना। काफ़ी खूबसूरत सा प्लेस है, सूखा हुआ लगता है। मुझे ये सब सीन देखने के लिए बहुत मज़ा आता है। यही है, यहाँ से कूदना पड़ेगा ये जो गाड़ी आ रहा है। तो यहाँ तक आने के लिए आपका 4 किलोमीटर जंगल क्रॉस करना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको 4 किलोमीटर जंगल क्रॉस करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक है फिर भी घुस के आ जाते हैं। तो छोड़ दो आज घुस ही लेते हैं, इतना दूर आ गए हैं तो, बट अंदर नहीं घुसेंगे आज, ठीक है। तो ऑप्शन ऑन ड्यूटी यहाँ पे देखो, तो यो सही है, यहाँ से आप जा सकते हो। काफ़ी बाइक लेकर कभी आया है, अंदर थार और वगैरह है और कुछ कलरिंग पत्थर यहाँ पे रखा हुआ है एंड दिस इज वंडरफुल देखने के लिए। बट मंदिर को काफ़ी कलरफुल बनाया गया है और यहाँ पे देखो काफ़ी गाड़ी है और सभी का वीडियो में देखा होगा यही एंट्रेंस गेट है, यहीं से लोग पैदल जाता है एंट्रेंस में, ठीक है। तो हम एंट्रेंस आज नहीं जा रहे हैं, नेक्स्ट टाइम वी विल विजिट सून, ओके। तो यहाँ से अब सीधा वो लोग जा रहे हैं, यहीं पे एंट्रेंस है और काफ़ी कुछ भी रखा हुआ है और यहाँ पे देखो कार वार रखा हुआ है। सो कार यहीं पर आपको पार्क करना पड़ेगा, बाइक यहीं पर पार्क करना पड़ेगा। सो हम अभी यहीं से अंदर नहीं जाएंगे भाई लोग, हम जाएंगे दूसरे दिन। यहाँ पे हमारा आज बुकिंग नहीं है, तो जिस दिन बुकिंग होगा उस दिन हम बुकिंग करके आएंगे। सो यहाँ से देख लो एंड इन टू द फॉरेस्ट आई एम गोइंग टू लूज माई माइंड एंड माई सोल, करेक्ट है। इज अ नाइस टैग एंड टैग लाइन एंड ये ऊंट का पैन कार्ड का है, काफ़ी खूबसूरत है यार। चलो ये बम्बू से कवर है, चलो ये इतना ही आज, इनका नेक्स्ट डे मैं आपको और भी कर रहा हूँ। वो रास्ता थोड़ा ख़राब है ये देख लो, आपको थोड़ा आराम से चलना पड़ेगा, बट हमने आज अंदर नहीं किया, ठीक है। यहाँ पे ये टूट गया,
ओ माय गॉड भाई, थोड़ा तो रास्ता तो बना दे यार। अभी मैं खड़ा हूँ जो नेचर रेट्रीट है, आरडीस नेचर रेट्रीट, तो यहीं पे है मेन गेट। तो मैं बाइक यहाँ पे पार्क किया जिसे मैंने पहले घुसा था, तो अभी अंदर में काफ़ी फोर व्हीलर वगैरह है, शायद दूर दूर से आया हुआ है। तो मेरे ठीक यहीं पे है, मैं आपको बता दूँ, दिखा देता हूँ। तो ये देखो, ये रोड है, यहाँ आगे जाता है और वहीं पर अंत हो जाता है, छोटा सा गाँव है आगे। और ये देखो यहाँ पर आरडीस नेचर रिट्रीट, तो यहाँ पे मेन गेट आपको जाना पड़ेगा। आपको वहाँ से इनको घुसने के लिए प्री बुकिंग करना पड़ता है पहले ही, तो आप रिसेप्शन तक जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इजीली जा सकेंगे। बट यहाँ पे देखो, काफ़ी दूर से शायद चल के आ रहे हैं आंटी, आगे जाना है और एक कितना मेहनत कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, फॉरेस्ट एरिया है, और फॉरेस्ट होने के बावजूद भी यहाँ पे बड़ा बड़ा पत्थर है, और पंछी का साउंड जो होता है, इस पंछी का साउंड यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, इज अमेजिंग। मतलब ऐसा लगता है कि एक सुकून भरा साउंड आ रहा है चारों ओर से। पकड़ के आऊँ बाद में, मैं ले रहा हूँ, कितना सारा सामान ले लूँ, इसलिए तो बोला था मैं गाड़ी में करना है, इसलिए तो मैं बोला था गाड़ी में रखेंगे सामान। हाँ, तो मेरे पीछे से धूप आ रहा है अभी, तो देखो इसलिए शायद अभी चेहरा काला काला नजर आ रहे होंगे। देखिए यहाँ पे कुछ अजीब सा चीज़ है, मतलब यहाँ पे ग्रेनाइट कटा हुआ है आगे, और वहाँ का पानी अगर होता है तो हम देखेंगे, काफ़ी खूबसूरत लगेगा इस तरफ से। आरडीस नेचर रिट्रीट, तो पत्थर देखो यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत है, पत्थर के ऊपर में पेड़, एंड हम जा ही रहे हैं। बट यहाँ पे यार ये घूम ही रहा है गोल गोल, धूप इसलिए अच्छा नहीं लग रहा है तुम्हें। वाह, जल गया। ओ, इधर भी रास्ता है, चलो इस तरफ नहीं जाएंगे, इस तरफ से आओ, यहाँ से आए थे। बट वो पहाड़ देख लो, ऊंचा वाला पहाड़, प्लेस काफ़ी खूबसूरत है यार। बट ज़्यादा धूप है, अगर फोगी रहते तो और भी मज़ा आता, क्योंकि ये पहाड़ जो है थोड़ा जला हुआ जैसा लग रहा है। चलिए, तो कुछ कुछ साउंड आ रहा है, पंछी उंची का भी साउंड होगा, ये डर गई है। और देखो पत्थर कितना अच्छा लग रहा है ना ऊपर से, उस तरफ जाने का मन था बट जा नहीं पाया, इतना दूर हम आ गए हैं। धूप है इधर पे, पंछी वो पेड़ दिख रहा है ना आपको, पूरा साइड पे, मतलब पत्थर नीचे आ जाएगा तो पेड़ भी आ जाएगा, ये वाला काफ़ी खूबसूरत सा लग रहा है। बट देखो सेल्फी ले रहा है क्या, तो एडवेंचर करने के लिए, तो ये एरिया भी घूम लो, ये मज़े का है, अच्छा से आप यहाँ पे फोटोग्राफ वगैरह ले सकते हो, क्योंकि धूप उतना नहीं आता है इस एरिया में। बट मुझे ज़्यादा मुझे फॉरेस्ट ही पसंद है, फॉरेस्ट और हिल्स बहुत मुझे पसंद है, प्लान भी पसंद है। बट जितना मुझे फॉरेस्ट पसंद है, हिल पसंद है, उतना मुझे समुंदर उतना पसंद नहीं है। दूसरा दिन कई सारा लोग आएंगे तो जाएंगे, क्योंकि बिकॉज टूडे वी आर ओनली टू। सी गाड़ी आ रहा है फिर से, तो काफ़ी पिकअप में गाड़ी आ रहा है। ओ वेट, स्किड हो गया यहाँ पे, और यहीं पे घुसेगा। और देखो यहाँ पे तीन पेड़ है, काफी खूबसूरत सा लग रहा है। कौन सा मम्मी है, कौन सा वाला मम्मी है, वो मम्मी है, और वो वही मम्मी है। अब मैं एक चीज मिस कर गया, अभी यहाँ पे दो स्कूटी गया, इतना मतलब उनका बोलेंगे तो यार मस्त का स्कूटी था, साउंड भी बहुत कम था, और दोनों यहाँ पे बेल बजाते पार हो गया, मस्त का था यार, शायद मैं इसको कैप्चर कर लेता, पता नहीं कौन सा स्कूटी है, बट लगा कि बाइक के जैसा, इट्स अमेजिंग यार, काश मैं इसको कैमरा कर लेता, तो नहीं कर पाया। ये मेरा जो प्लेस है, आने के लिए एक तकलीफ आपको उठाना नहीं पड़ेगा, आपको पहले बनकटा रोड में आना पड़ेगा, बनकटा रोड से आपको थोड़ा देर अंदर घुसना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको दिखाया, और शायद ये लोग भी घूम रहा है, अभी वापस जा रहा है, मैं आपको दिखा दूँ। ये देखो ये गाड़ी से आया, काफ़ी खूबसूरत लगा ये गाड़ी, एंड यहाँ पे दो राइडर है। बट यहाँ का व्यूज बड़े मज़ा आ रहा है, वो लोग वहाँ से घूम के आ गए हैं, तो आई होप अगर पूरा कबाड़ किया है गाड़ी, ये जो गाड़ी गया ना दोस्त, ये अमेजिंग गाड़ी है, मतलब देखने के लिए मज़ा लगा। तो दो शायद थोड़ा उम्र वाला लोग है, तो यहाँ से पूरा पिकअप में चला गया, पूरा पिकअप में मतलब जंगल घूम रहा है लोग, तो आई लाइक इसा एडवेंचर। और ये दो है, तो मेरे पास भी अगर कोई होता तो
अगर आप नेचर लवर से आपको पहाड़ अच्छा लगता है, पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर अच्छा लगता है, तो आप पत्थर पहाड़ देखने के लिए यहाँ पे आ जाओ। पत्थर पहाड़ छोड़ के आपको पेड़ छोड़ के यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पे ना आपको घर मिलेगा, या फिर आप सोचते हो कि नहीं यहाँ पे अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है बाहर खाने के लिए, तो आप ऐसा प्लेस में मत आओ, आपके लिए नहीं है, दिस इज़ नॉट फॉर यू। ये इन लोगों के लिए जो लोग फीस मतलब ढूंढता है, मतलब जिनको शांति चाहिए मन में, जो टेंशन है, जिसको शहर से जितना भी पॉल्यूशन है या फिर जितना भी क्या बोलूँ मैं, जो है जो कुछ भी हो, तो वहाँ से आपको अगर दूर चाहिए तो आप यहाँ पे आ जाइए, तो आपको यहाँ पे पीस ऑफ माइंड जो कहता है ना वो मिल जाएगा। एक बाइट ऑफ पीस कहता है, मतलब ये बाइट ऑफ पीस कहता है, ये आपको मिल जाएगा। पंछी इधर रो रहा है, पंछी रो रहा है नहीं, पंछी हम बोलते हैं कि पंछी रो रहा है, पंछी का साउंड जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, और ये नेचर इसको और भी ग्रेटर बनाता है, ग्रेटर एंड ग्रेटर। क्या देख रहा है? और बात यह है कि यहाँ पे नेटवर्क रहता है कि नहीं है, मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे नेटवर्क एयरटेल का बहुत ही स्लो है, और यहाँ पे नेटवर्क का मैं एयरटेल का बता दिया, और अब मैं आपको बताऊँ जियो का। अभी मेरे यहाँ पे दो पोल डिस्प्ले, मतलब दो पोल है, दो पोल जियो का, तो जियो यहाँ पे थोड़ा बहुत मिल सकता है, बट एयरटेल आप यहाँ पे भरोसा मत कीजिए, एयरटेल से कुछ भी हो सकता है आजकल, एयरटेल का अच्छा नहीं है। देख लो आप ये जो पेड़ है, ये जुड़वा जैसा लग रहा है, मेरा वहाँ से वाइफ बोल रही, क्या बोला ये तो थोड़ा बता दो, ये जुड़वा बोला, पहले ही बताया और ये साइड में छोटा है, तो पहले ही बताइए मम्मी उसका, है कुछ भी क्या है, नाती पोता है, तो काफ़ी खूबसूरत सा हवा चल रहा है यहाँ पे, तो आई होप आप लोग भी अगर आते तो कुछ मज़ा ही और होता है। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई मुझे ऐसा प्लेस में घूमना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, आप लिंक में मतलब कमेंट बार में कमेंट कीजिए कब जा रहे हो घूमने के लिए सब नेचर। तो मैं प्लानिंग कर रहा हूँ एक चुंची चुंचा, हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं नेक्स्ट चुंची चुंचा घूम के आएंगे, चुंची चुंचा पल और संगम, और संगम घूमेंगे, और केरे बदूरी क्या कुछ ऐसा है डिफिकल्ट नाम, हम वहाँ पे घूम के आएंगे। तो प्लानिंग की है सिर्फ वहाँ पे दो नहीं जाएंगे, चार पांच बाइक लेकर के जाएंगे, तो अगर बाइक पांच हो गया तो हम दो दो करके जा सकते हैं, 10 पीपल इजीली हम वहाँ पे रीच कर सकते हैं, बट आज यहाँ पे दो ही है। बट ये रोड मुझे काफ़ी खूबसूरत लगा यार, ये देखो ये रोड जो है अंतिम में ख़त्म हुआ है, ठीक है, ये रोड बहुत ही खूबसूरत है, और मैंने आपको पहले ही बताया ये रोड दो लड़का जा रहा था। यहाँ पे व्यू देखिए दोस्त, कितना मजा आ रहा है व्यू, मतलब मत बोलो अमेजिंग। क्या था वहाँ के से, ठीक है, कौन करेगा डांस, एक काम करो तो इतना धूप में कौन करेगा डांस, तुम डांस नहीं करोगे, जिंगा लाला जिंगा लाला हे या 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 तो दिमाग है नहीं, हमेशा बड़ा वाला ड्राइवर मर गया। पहले दौड़ के आया, बहुत सारा मजा किया हमने आज, यहाँ पे काफी थक भी गए हैं, नींद भी लग रहा है, क्या थोड़ा थोड़ा सिर भी दर्द हो रहा है, बट काफी बहुत दूर अभी जाना है, तो हम अभी यहाँ से वापस जाएंगे और घर जाके मजे करेंगे, और इस वीडियो को एडिट करेंगे और डालेंगे। आप लोग लाइक शेयर जरूर करना, लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मत भूलना। मैं हूँ संदीप और आप देख रहे हैं इसी को ब्लॉग, ओके, सो और मैं हूँ उसका कुछ भी हो नहीं है झूठ बोल रहा है, सो आइए हमें से बड़ा वाला ट्राइपॉड लेना यार, नहीं तो मेरे जैसे होना पड़ेगा आप लोग को, ये एक माउंट करने के लिए मुझे दिया था तो नीचे, तो ये बोल रहा है क्या मैं यहाँ पे नहीं होऊंगा भाई, दूसरा होऊंगा तो फिर से मैं यहाँ पे हेलमेट रख देता हूँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना हेलमेट यहाँ पे रखने के लिए। तो दोस्तों आज काफ़ी इंजॉय किया हमने, दौड़ा भी यहाँ पे तो अच्छा लगा, तो एट द मोमेंट हम अभी वापस जाएंगे, अगर इंजॉय करना चाहते हो तो ज़रूर ये इंजॉय कर सकते हो। सो टाटा बाय बाय एंड सी यू अगेन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, टाटा।